रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने एकात्म परिसर से फेसबुक लाइव किया, जिसमें लोगों से सीधा संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक संकल्प के साथ राष्ट्र के निर्माण में लगे हैं। देश को आर्थिक मजबूती देने के लिए जिन योजनाओं की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की है, वो सुनहरे भविष्य के लिए निश्चित रूप से उत्साहवर्धक रहेंगी। डॉक्टर रमन ने कहा कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण करके भारत ने दुनिया को बता दिया कि देश सशक्त और मजबूत है। इस दौरान लोगों ने डॉक्टर रमन सिंह से सवाल भी पूछे। वहीं एक फेसबुक यूजर ने उनके दामाद डॉक्टर पुनीत गुप्ता पर लगे आरोप पर भी प्रश्न किया। एक ऐसा स्वाभिमानी राष्ट्र के निर्माण में मोदी जी लगे हैं जिसकी कल्पना आपने की है, क्योंकि ये आपके युवकों के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है, युवकों के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ विषय है। और देश को एक आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए जिन योजनाओं की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की है, वो आपके लिए कल के लिए एक सुनहरे भविष्य के लिए निश्चित रूप से उत्साहवर्धक रहेगा। भारत का गौरव मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। पिछले दिनों हम सब ने देखा, आपने भी महसूस किया, कैसे भारत चौथे शक्ति के रूप में दुनिया के उभर के सामने आया है। एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण करके दुनिया को बता दिया कि भारत सशक्त भारत है, मजबूत भारत है। भारत के अंदर की टेक्नोलॉजी को मैं वैज्ञानिकों को सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, जिन्होंने भारत के उस रक्षा पद्धति को उतनी मजबूती प्रदान की।